हेलो दोस्तों, आज है 2 दिसंबर 2022 और 2 दिसंबर 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछले और पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इम्पोर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर का टेस्ट भी आप उसे देखकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करके वहां से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय कानून दिवस 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार मिला है ऑप्शन ए बलदेव राज महाजन को। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन को भारतीय न्यायविद परिषद दिल्ली द्वारा कानून के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए राष्ट्रीय कानून दिवस 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब जिक्र हुआ था एडवोकेट जनरल का, तो हरियाणा के एडवोकेट जनरल है बलदेव राज महाजन, जबकि हाल ही में करनाल के परविंदर सिंह चौहान को हरियाणा सरकार ने सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल भी नियुक्त किया है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था पुरस्कार का, तो हाल ही में हरियाणा की 5 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2022 मिला है। नीरज चोपड़ा को खेल क्षेत्र में, सुमित अंतिल को भी खेल क्षेत्र में मिला है, ओम प्रकाश गांधी को सामाजिक कार्य के लिए मिला है, मोतीलाल मदान को साइंस व इंजीनियर क्षेत्र में, राघवेंद्र तंवर को साहित्य व शिक्षा क्षेत्र में। और यहाँ से सीटी में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहाँ पर शहद व्यापार केंद्र की स्थापना की गई है? तो इस केंद्रीय सेंटर की स्थापना की गई है ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र में। अब जान लेते हैं, हरियाणा सरकार द्वारा शहद व्यापार केंद्र की स्थापना कुरुक्षेत्र के रामनगर में की गई है। और कुरुक्षेत्र के रामनगर में दोस्तों देश का पहला मधुमक्खी पालन सेंटर भी स्थापित किया गया है। और पंचकुला जिले में हरियाणा का पहला अंतर्राष्ट्रीय कला सेंटर भी बनाया जाएगा। और फरीदाबाद में देश का पहला इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर भी स्थापित किया गया हाल ही में, आपको ये भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में किसकी तर्ज पर कृष्णा उत्सव मनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तर्ज पर इस उत्सव को मनाया जाएगा। अब जान लेते हैं, कुरुक्षेत्र की धरती पर भगवान श्री कृष्ण की आस्था में गीता महोत्सव की तर्ज पर कृष्ण उत्सव भी मनाया जाएगा, मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है। अब जिक्र हुआ था अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का, तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया था। और इसका आयोजन किया गया है कुरुक्षेत्र में 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक, और ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है। इसका सहयोगी देश बना आपकी बार नेपाल, सहयोगी राज्य है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस व्यक्ति को द्रोणाचार्य अवार्ड 2022 मिला है? तो यह अवार्ड मिला है ऑप्शन डी राज सिंह को। जान लेते हैं, सोनीपत के कुश्ती कोच राज सिंह को द्रोणाचार्य अवार्ड 2022 मिला है। और हरियाणा के 5 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड 2022 भी मिला है, ये भी नोट कर सकते हैं। सीमा पुनिया को, अमित पंगाल को, अंशु मलिक, सरिता मोर और तरुण ढिल्लो को। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने कौशल विकास, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, रोजगार विभाग तथा युवा मामले विभाग को मर्ज करके नया नाम क्या रखा है? तो इन सभी विभागों को मर्ज करके एक नया नाम रखा गया है ऑप्शन बी युवा शक्तिकरण उद्यमशील विभाग। अब जान लेते हैं, हरियाणा सरकार ने बहुत से विभागों को मर्ज करके उनका एक नया नाम रख दिया है। हम दोस्तों डेली 1 या 2 के बारे में पढ़ते रहेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, जैसे नवीन व नवीनकरण ऊर्जा विभाग या फिर अक्षय ऊर्जा विभाग को बिजली विभाग के साथ शामिल करके नया नाम रखा गया है ऊर्जा विभाग। और कौशल विकास, औद्योगिक प्रशिक्षण, रोजगार विभाग तथा युवा मामले विभाग को मर्ज करके युवा शक्तिकरण उद्यमशील विभाग नया नाम रखा गया है। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं।
हरियाणा के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय कानून दिवस 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बलदेव राज महाजन को। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहां पर शहद व्यापार केंद्र की स्थापना की गई है? तो कुरुक्षेत्र के रामनगर में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में किसकी तर्ज पर कृष्ण उत्सव मनाया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तर्ज पर। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को द्रोणाचार्य अवार्ड 2022 मिला है? तो राज सिंह को सोनपत से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने कौशल विकास, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, रोजगार विभाग तथा युवा मामले विभाग को मर्ज करके नया नाम क्या रखा है इसका? तो इसका नया नाम रखा गया है युवा शक्तिकरण और उद्यमशील विभाग। अब साथ ही साथ कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का रिविजन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के सिरसा में बनने वाले चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल की आधारशिला शिलान्यास किसने किया था इसका? तो इसकी आधारशिला रखी थी ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा की आयुषी ठकराल ने गुवाहाटी में हुई पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो आयुषी ने इसमें ऑप्शन 3 यानी कि ऑप्शन सी 3 गोल्ड मेडल जीते हैं और साथ ही साथ बेस्ट स्विमर का अवार्ड भी मिला था इन्हें। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के राहुल कंबोज जर्मनी में सांसद बने हैं? तो राहुल दोस्तों ऑप्शन सी यमुनानगर जिले से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के कितने डिपो में सबसे पहले ही टिकटिंग प्रणाली का शुभारंभ किया गया है? तो सबसे पहले इस प्रणाली योजना का शुभारंभ किया गया है ऑप्शन बी 6 डिपो या जिलों में, कौन कौन से हैं? चंडीगढ़, करनाल, फरीदाबाद, सोनीपत, भिवानी, सिरसा में इस योजना का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के किस जिले में ज्ञानचंद गुप्ता ने निरोगी हरियाणा योजना का शुभारंभ किया है? तो ज्ञानचंद गुप्ता के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है ऑप्शन डी पंचकुला जिले में। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले से हाउसिंग सोसाइटी योजना को शुरू किया गया था? तो इस योजना को शुरू किया गया था ऑप्शन डी पंचकुला जिले से। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, और दोस्तों मैंने आपके लिए नवंबर 2022 की हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो बना दी है विद पीडीएफ फाइल, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखना। हरियाणा राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना का शुभारंभ किसने किया है, और इस योजना का शुभारंभ कब और कहां और किसके द्वारा किया गया है, और इस योजना का नाम दूसरा नाम क्या, आपको ये भी बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।